सुबह की सबसे पहली पसंद कश्मीरी गोल्ड चाय। बनाएं अपने दिन को खास कश्मीरी गोल्ड चाय के साथ, आपके सभी प्रमुख किराना एवं जनरल स्टोर्स पर उपलब्ध है। प्रतापगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अघोषित बिजली कटौती का विरोध। बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि, प्रदेश में चौपाट कानून व्यवस्था के कारण अराजकता, पेयजल उपलब्ध कराने में विफल भाजपा सरकार का विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जिला प्रवक्ता मोहित भावसार ने बताया कि शहर के गांधी चौराहे पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह रणावत के नेतृत्व में प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश व प्रतापगढ़ जिले में हो रही अघोषित बिजली कटौती, बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि, प्रदेश में चौपाट हो रही कानून व्यवस्था, पेयजल उपलब्ध कराने में विफल भाजपा सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी रणावत ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सत्ता में आने के पश्चात प्रदेश की आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में विफल रही है। राज्य में भीषण गर्मी के बावजूद सरकार द्वारा बिजली की आपूर्ति बाधित रही है तथा गांव एवं छोटे कस्बों में अघोषित रूप से 4 घंटे से 18 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है, जिस कारण प्रदेशवासियों को कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रदेश की भाजपा सरकार ने बिजली के बिलों में फ्लू सरचार्ज के बाद फिक्स चार्ज की दर को बढ़ाकर आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने का जनविरोधी निर्णय लिया है। विरोध प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह रणावत सहित पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश ओझा, जिला संगठन महासचिव कमल सिंह गुज्जर, यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव प्रतापगढ़ यूथ कांग्रेस जिला प्रभारी सुभाष निनामा सहित अन्य नेताओं ने भी प्रदेश की भाजपा सरकार पर अपने व्यक्तित्व में जमकर भाजपा सरकार के विरोध में प्रहार किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिला कांग्रेस व ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी व कांग्रेस के तमाम संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उसी दिन करणी सेना के जो अध्यक्ष थे उनका खून मर्डर हुआ उसके घर में घुसकर, उसके बाद में कई लोगों के से मर्डर हुए। लेकिन हमने कांग्रेस वालों ने उनको समय दिया था कि कम से कम 6 महीने इनको देखो, 6 महीने में क्या कर सकते हैं। 6 माह में ये सरकार कुछ नहीं कर पाई, और नहीं करने का कारण यही है कि ये सरकार रिमोट वाली सरकार है। ये सरकार दिल्ली से चलती है, जो बने भी वहाँ से हैं। आप सब कहते हैं पर्ची वाले जब भजन जी हैं, ये भजन के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो दिल्ली की सरकार है वो क्या है, वो किसानों के, गरीबों के, अल्पसंख्यकों के और व्यापारियों के सबके विरुद्ध है। केवल उनको 2 आदमी नजर आते हैं, अडानी और अंबानी। हमारे राहुल जी ने इस बात को बार बार उठाकर, जो आज स्थिति आज से लोकसभा चुनाव के पहले होती थी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, वो शब्द हमारे कांग्रेस वालों ने दबा दिया है। और NDA की बात इनको करनी पड़ी, भारतीय जनता पार्टी को भूल गए थे और आज भी भूले हुए हैं। ये गरीबों की सरकार नहीं है, किसानों को लूट रही है। एक जरा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, फसल बीमा के नाम पर जमसी राशि काटी जाती है। आप लोगों को, किसानों को, मैं भी थोड़ी बहुत खेती मेरे लिए बीमा जब राशि करती है तो हम जो किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो हमारे 5,000-10,000 जो भी करते हैं, और उसका अनुदान 1,00,000 अगर बीमा है तो 90,000 रुपये का अनुदान केंद्र सरकार उनको इस कंपनी वालों को दे रही है। अरे तुम 90,000 उनको दे रहे हो, 10,000 हमारे काट रहे हो, तो 1,00,000 से किसान दे दो ना यार, नहीं चाहिए हमको तो बीमा, 1,00,000 किसान को दे दो। तुम उनको पैसे वालों को पैसे बना रहे हो और गरीबों को गरीब करते जा रहे हो। तो ये सब स्थिति है, इनकी सोच ही ऐसी है, और सोच के ही परिणाम है कि तीसरी बार में इनकी नगरी सरकार बनी है। राजस्थान में कहीं कुछ छोटी मोटी कमी रह गई थी, विशेष करके हम दोषी, हम मेवाड़ के लोग हैं, हम यहाँ पर इनको जीता नहीं पाए, बड़ा राजस्थान के लोगों ने तो साथ दिया। 70 सीटें सम्मानजनक जो हमारे अशोक जी गहलोत की योजनाओं के प्रतिनिधित्व के लिए, और आज भी लोकसभा में 11 सीटें 2 हमारे साथियों की और 9 हमारे कांग्रेस की, 11 सीटें लोकसभा में कैसे हम जीत कर गए हैं। इनके आज आने वाले चुनाव भी है 5 विधानसभाओं के, वहाँ भी निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी। हम सब मिलकर भाई हमारे सब कह रहे थे, प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, वर्तमान प्रधान जी, तो पंचायतों के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, ये सब जिला परिषद, ये चुनाव होने हैं। वास्तव में भाई गोपाल जी ने कहा कि इन चुनाव में अगर अपनी सरकार बन गई कि आप मान के चलिए कि 75% सरकार पे अपना कब्जा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब आपको मेहनत करनी है, ये मेहनत के बिना कुछ संभव नहीं है। हमारे कुछ भाई लोग न जाने क्यों अभी तक किसी उसी गुमान में हैं जो उन्होंने 5 साल शायद जिस गुमान में, उसी गुमान में वो चल रहे हैं, और कांग्रेस को जो
करने की कोशिश कर रहे हैं, कमजोर करने की कोशिश सफल हुई है नहीं, तो कांग्रेस के हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि असलियत क्या है, वास्तव में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, ये सब आपके हमको ध्यान रखनी है। मैं अधिक समय देने का ज्ञापन देने का समय हो गया है, आप सब यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको मिलकर निश्चित है तुम्हारे जाने का, और अनिश्चित है जाने का, बेवक्त चली जाती हो ऐसी गर्मी में बड़ा सताती हो, बच्चे भी चिल्लाते हैं बूढ़े भी घबराते हैं, कैसे करें बच्चे की पढ़ाई, मुसीबत में है सब फंसे हैं भाई। मन की बातें रेडियो में, मन की बातें रेडियो में, खट्टर सब नाचे दिल्ली में, कोयला नाचे छत्तीसगढ़ से, और नागर नाचे जयपुर में, नागर नाचे जयपुर में। हम सब घबराए गांव और शहरों में, कर्मचारी घबराए ऑफिस में, इस समस्या का जल्दी सुलझाओ, इस समस्या को जल्दी सुलझाओ, क्यों करते हो ऐसी नादानी, नहीं तो हमसे हो जाएगी नादानी। भजन लाल जी आप भी सुन लो, भजन लाल जी आप भी सुन लो, फिर भजन हम भी गाएंगे, रामचरितमानस के दोहे हम भी खूब सुनाएंगे। भजन लाल जी आप भी सुन लो, हम भी भजन भी गाएंगे, रामचरितमानस के दोहे हम भी खूब सुना। आज पूरे प्रदेश के अंदर बिजली अर्थव्यवस्था है और अराजकता जल्दी के विरोध के अंदर धरना प्रदर्शन हमने किया। धरना प्रदर्शन हमारा कल था, बारिश की वजह से हमने धरना प्रदर्शन देश के निर्देशानुसार आज किया गया, और बिजली की व्यवस्थाओं के बारे में जो विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चल रहा है, और जिस तरीके से जो विफल सरकार हो रही है बिजली में, पानी में, अर्थव्यवस्थाओं में, कानून के अंदर जो अर्थव्यवस्थाएँ चल रही है, उसके खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन। किसानों का वही भरोसेमंद पुराना सच्चा साथी, अब आधुनिक तकनीक और फीचर्स के साथ मैसी ट्रैक्टर। घी खाओ देशी, ट्रैक्टर चलाओ मैसी, खानदानी, किसानों की पसंद आपका अपना मैसी ट्रैक्टर इसमें मिलता है। आपको कम डीजल की खपत के साथ अधिकतम माइलेज, फिक्स हॉर्स पावर, अधिकतम पीटीओ पावर क्षमता, कंफर्टेबल सिटिंग कैपेसिटी के साथ साइलेंट इंजन आवाज, जिससे किसान लंबे समय तक आसानी से काम कर सके। मजबूत ट्रैक्टर बॉडी, 15 से 20 वर्षों के बाद भी अधिकतम डीजल वैल्यू, पार्ट्स की आसानी से उपलब्धता, तो आज ही विजिट करें। प्रत्यक्ष ट्रैक्टर्स अधिकृत विक्रेता मैसी फर्ग्यूसन, ट्रैक्टर मंदसौर रोड, प्रतापगढ़। हमारे मोबाइल नंबर 7742279165, अन्य नंबर 7610906645 है।